हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्वाद कढ़ाई का। में आज हम बना रहे हैं पनीर छेना के लड्डू, जिसके लिए हमने आधा किलो दूध को उबाल लिया था और उसमें सिरका डालकर उसको फाड़ कर उसका पनीर निकाल लिया है। साथ ही हमें चाहिए ड्राई फ्रूट, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। और ये 3 चम्मच हमने बूरा लिया है, आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। थोड़ा सा घी लेंगे, जब ये घी हल्का सा गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे पनीर छेना। इसको बड़े ध्यान से डालें। इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है आप वो ख़त्म कर दें। गैस को मीडियम लो रखना है, तेज नहीं करना है। इस तरीके से फैला फैला कर सुखाएं तो इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो सूख जाएगा। देखिए ये कितना सॉफ्ट हो गया है, अभी हम इसको और पकाएंगे। इसमें घी डालना ज़रूरी है, ये देखिए ये बिल्कुल भी बर्तन पे नहीं चिपक रहा है। अगर आप इसमें घी ऐड नहीं करेंगे तो ये बर्तन के तले में चिपकता रहेगा। ये देखिए ये लगभग सूख चुका है। इसे गैस तेज करके 2 मिनट के लिए और भूनेंगे। ये भून चुका है, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, ये देखिए बहुत हल्का सा गर्म है ये। इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट और बूरा। बूरा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हमने आधा किलो दूध का छेना बनाया था तो जिसके अंदर हमने 3 चम्मच बूरा डाली है। अब इसको मुट्ठी में लीजिए। ये देखिए कितने शानदार लड्डू बने हैं। अगर आपको ये लड्डू पसंद आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।